इसने तो आज बहुत दौड़ाया हमें, गाड़ी भी हमारी बहुत पीछे छूट गई है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, गेम सब कैसा है? मैं तो एकदम मौज में हूँ, आई होप आप सब एकदम मौज में होगी। तो चलिए आज का प्यारा जो व्लॉग है उसके करते हैं स्टार्टिंग। तो सुबह का जो काम है यहाँ का, फाइनली काम जो है पूरा का पूरा हो चुका है। अभी हमें जाना है ट्रैक्टर भरने के लिए, मिल्क जो है वो भी चला गया है, सुरेश भाई देने के लिए जा चुके हैं और ट्रैक्टर भी फाइनली रेडी होकर रास्ते पर खड़ा है। तो जो आज फाइनली जो है ये गाय है, ये आज हमें ये गाय है जो हमें छोड़ने जानी है, जो कि एक हमारे मामा है उनकी गाय है, जो पोपट मामा, एक व्लॉग में आपने उनको देखा होगा। तो ये 4 महीने पहले हम ये लेके आए थे, जहाँ यहाँ पे एक खेत था तो उसमें हम चराने के लिए गए थे, तो उधर से वो भी आ गए, तो दोनों गाय मिक्स हो गए। तो सब चर रहे थे तो ये बोले ये गाय लेके जाओ, हमें जो गड्ढा है हमारे पास बुल, उसका ब्रीडिंग करवाना है बोले। तो उसी जो गड्ढा है उसी बुल का हमें ब्रीडिंग चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है भेज दे हमारे गाय में। तो ये गाय हम लेके आ गए थे, तो फाइनली जो है इसका ब्रीडिंग हो गया है। तो आज ये हमें गाय छोड़ने जाना है। तो अभी पहले तो फटाफट से ट्रैक्टर भर के आते हैं, ट्रैक्टर भरने के बाद आने के बाद इसको छोड़ने के लिए जाना है। तो उनके पास बहुत सारी भैंसा भी है और बहुत सारी जो गिर गाय भी है, तो आपने को बहुत सारे गाय और बहुत सारी भैंस भी देखने को मिलने वाले हैं। तो व्लॉग में ऐसे आखिरी तक बने रहे। और बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे मुझे पूछते रहते हैं, समझो अगर आपके पास 70-80 गाय है और किसी और के पास भी उतने गाय है और एक हंधे जो खेत होता है खेत में अगर घुल मिल जाए तो आप कैसे पहचान जाते हो? तो हम हमारे गाय को पहचान ही जाते हैं, जिसके भी गाय होते हैं सब पहचान जाते हैं, सामने वाले के गाय वो पहचानते हो, 200 गाय में भी अगर हमारे 70 गाय जाते फिर भी हम पहचान जाते हैं कि हमारे कौन से गाय है और कौन से नहीं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और जब भी हमें घर एक खेत में अब दोनों झुंड एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तो बाद में क्या होता है कि जब घर घर के लिए निकलने का टाइम जो होता है, तो तभी जो उनके गाय होते हैं उनके घर के तरफ निकल जाते हैं और हमारे गाय होते हैं वो हमारे घर की तरफ निकल जाते हैं। तो जब भी घुल मिल जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आसानी से एकदम उनके गाय उनके घर तरफ चले जाते हैं और हमारे गाय जो होते हैं वो हमारे घर की तरफ आ जाते हैं। तो अभी ट्रैक्टर सामने रेडी होके खड़ा है, तो अभी फटाक से पहले तो ट्रैक्टर भर के आएंगे, ट्रैक्टर भरने के बाद जाएंगे गाय छोड़ने को। तो मिलते हैं आगे। फाइनली जो है हम खेत में आ चुके हैं और दोनों भाई तो काम पे लग चुके हैं ऑलमोस्ट, और जो यहाँ पे गन्ना जो है उसको जलाया गया है। तो पीछे जो ऐसे ये जो होता है यही गन्ना ही है, तो अभी यही भर के लेके जाना है हमें। तो फटाक से जो पूरा जो गन्ना है जला हुआ उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं और ट्रैक्टर फटाक से भर लेते हैं। और सुरेश भाई अभी तक आया नहीं और पीछे से बाइक लेके आने वाले, तो फाइनली जो है हमारा ट्रैक्टर भरना हो गया है, क्योंकि आज गन्ना है वो बहुत थोड़ा सा कम था, लेकिन आज इस कम गन्ना है लेकिन इससे काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा कम है और दूसरा जो चारा है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि खेत बड़ा था लेकिन उसमें इतना मटेरियल जो है वो निकला नहीं, तो इतना ही भरा। तो एक टाइम का जो खाना है हो जाएगा और दूसरा जो चारा है वो ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं घर के लिए। फाइनली जो घर पे आ चुके हैं हुई तो आप सब बोल रहे टीनू को नहीं बता रहे, लेकिन टीनू जब भी मैं आता तो टीनू सोयल रही थी जिसकी वजह से नहीं बता रहा। अब टीनू बोल रही क्या दो बारो दो क्यों? तो ये देखिए पैर मेरे जो वो गन्ना भर के आए तो काले दिख रहे थे, उसकी वजह से टीनू जो है अंदर नहीं जाने दे रही। वो बोले पहले हाथ पैर धो लो बाद में अंदर आओ। इमन हम दोनों वाले तारा गाल कुने बगड़ो कुने मालिया का गए। अरे अरे अरे
फाइनली जो है अभी घर पे आ चुके हैं और अभी वो गाय को जो मोरखी लगाएंगे, मोरखी लगाने के बाद बंधा है पिस्तुलिया मोरखी लगाने के बाद चलते हैं मामा के घर, क्योंकि वो गाय वो छोड़ नहीं, सुबह आपको मैंने बताया। तो अभी जो कुट्टी है इधर सामने है देख सकते हो, और कुट्टी ने अभी तक बच्चा नहीं दिया है, क्योंकि रोज़ मेरे को आज भी पूरी नाइट दो चार बार मुझे रात को जगना पड़ा, बहुत ध्यान रखा, लेकिन वेट ही करवा रही है लगभग आज दोपहर तक, नहीं तो कल, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है इंतज़ार तो वो रोज़ ही करवा रही है। लेकिन जब भी हो जाएगा डिलीवरी तो उसका व्लॉग हम ज़रूर से बना देंगे और आपको नज़दीक लेके जाके बताता। और ये सुरेश भाई है, सुरेश भाई जो है अभी उसको पशु आहार और थोड़ा सा जो गन्ने की कुट्टी रख दी है। सुरेश भाई आप कितनी भी खातिरदारी करो, उसको बछड़ा नहीं आएगा। बछड़ा आएगा, बछड़ा बछड़ा नहीं आएगा, बछड़ा आएगा। ठीक है तो देखते हैं। तो अभी हेलो लगना मोरखी लगे, तो अभी वो गाय को मोरखी लगाते हैं और फटाफट से निकलते हैं। तो फाइनली अभी गाय लेके चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया, जो गोबर ट्रैक्टर जो है वो गोबर भरने के लिए आया था तो इकट्ठा करना था, कल टाइम नहीं मिला तो इसकी वजह से कल हम नहीं कर पाए थे। तो अभी सुरेश भाई भी आ गए हैं और माला भाई भी, दोनों भी आ चुके हैं, तो अभी इसको लेके जाएंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता सुरेश भाई ऐसे खींच के चलेंगे, चलेंगे क्या? तो मुझे नहीं लगता चलेंगे, क्योंकि यहाँ से एक डेढ़ किलोमीटर आगे लेके जाना है, तो फिर अभी बांध के लेके चलते हैं, अगर नहीं चली तो फिर ट्रैक्टर के पीछे बांध के लेके जानी पड़ेगी। देखते हैं अभी क्या करती है, बांध दे अभी, हम बी साइड मोरखी बांधिए, चलिए अभी चलते हैं। बांधने में देते ऐसे खतरनाक वाली गाय नहीं, बहु भागवानी, हाँ नाटक बहुत कर रही है, फोटे अरे ना डोर एक एक साइड डोर, खतरनाक वालू भागवानू सही नहीं हाले, अरे क्योंकि क्या है क्या इतने सारे गाय के साथ रही है, कभी अकेले चली ही नहीं, तो इसकी वजह से वो घर घर को भागने की कोशिश कर रही है। अरे 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 थोड़े दिन और थोड़े देर के लिए तो सुरेश भाई नाटक ही करेंगे, बाद में चलेंगे भोटे अरे बेश नहीं मन नहीं लगती भाई, अरे अरे द्वारे मना मालू दूसरी और मैं बाइक लेके आता, तुम चलो आगे, अरे चलो चलो नहीं चलने वाली हाला है ना उठे उठे खाली मेरे मामा को सरप्राइज देने की 15-20 मिनट लगेंगे सूरज भाई वहां जाने पे, हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी जोर से चलाओ, मारे नहीं मैं आ गए मार तो नहीं, हाँ मांग मामा मामा ये रहा लेना अरे आ दौड़ू तोड़ने कांड हम क्यों लागे। तो दोस्तों इसने तो आज बहुत दौड़ाया हमें, गाड़ी भी हमारी बहुत पीछे छूट गई है, क्योंकि दो आदमी से एक नहीं चल रही है, तो मैं भी आ गया, मैं भी रस्सी पकड़ी, माला भाई ने पकड़ी है, लेकिन बहुत दौड़ाया है अभी मामा का घर ज़्यादा दूर नहीं है, आ गया हूँ अपने चाहिए तो फाइनली अभी पहुंचने वाले हैं उधर, उधर सामने जो है एक मामा का घर दिख रहा है और इधर तो रस्ते का काम चालू है, और हमारे सुरेश भाई हैं वो पीछे हैं और माला भाई जो है अभी बाइक लेने गए हैं, क्योंकि बाइक हमारी पीछे छूट गई थी और अभी चल रही है, अभी आसानी से चल रही है, पहले तो थोड़ी देर के लिए तो बहुत थका दिया उसने, नहीं अभी एकदम सीधी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएंगे सामने, दूर है यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से सीधे गए तो नजदीक पड़ेंगे, लेकिन ऐसा घूम के जाना है तो सामने ही है मामा का घर, तो चलिए सुरेश भाई हाँ क्या अपनी भी गाय घर घर के वाली भी गाय छोड़नी है, टाइम हो जाएगा, जल्दी चल मामन घर गेट ले, मामन घर गेट ले के दीवो बड़े गेट ले आई यू मामन का, हमारे पोपट मामू है वो। तो अभी सामने मामा का घर आ चुका है और इधर एक थोड़ा सा विश्राम लेते हैं, पर पानी नहीं पियेंगे वो, डड्डू से भाग से हुए ये भला मना आया भाई की नहीं बेचारू नहीं पीवे पानी पीवे पीवे पानी पी रहा है इसको पानी पिला दे पानी में रहे तुम देख सकते हैं
नहीं नहीं अभी उतनी दूर से आई तो उसको भी थक गई क्योंकि लगभग 1.5 किलोमीटर होता होगा शायद से 1.5 किलोमीटर। इधर से कहाँ आगे आगे जाने को रास्ता नहीं है? कहाँ पे नहीं है क्या? तो फिर ठीक है चल इधर से ले लेंगे। पर इधर से कूदेंगे क्या? देखिए इधर क्या है, नाला है, कूदेंगे तो आंधे। तो सामने मामा का घर दिख रहा है, अब ज्यादा दूर नहीं है। चलिए बो 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 आ जा तू। तो फाइनली जो है मामा के घर पहुंच चुके हैं। अरे अरे हवा मुक देना, क्या दोनों बंदे ने कौन है भैया? मैंने डायो। और ये मामा की भैंसा है। अभी मामा कहीं तो अभी पट्टी भरने गए हुए गन्ने की क्या? बाद में अभी मामा आने के बाद आपको दिखाएं। क्यों मामा फोन है? हूँ क्या ऊपर? हाँ मामू अले आए आए तार गिरे सी। तो आप देख सकते हो इधर जो पोपट मामा का सामने वाड़ा है जिसमें अभी चारा डाला हुआ है, लेकिन अभी और चारा भरने के लिए गए। आने के बाद अभी जो बाकी के जो गाय है और भैंसा है वो छोड़ने वाले हैं। और सामने भी भैंसे हैं लेकिन उन्होंने छोड़ दिए, वो दूसरे भाई के, वो भाई लगता है। और ये वाड़ा है वो जो मेरे मामा है क्या जो गाय अपने वाले तभी खाना खा रही। देखी दाद सुने आ है क्या भरो जाता पापा क्या जा? तो ये देख सकते हैं ये मामा के सब भैंसे हैं, देख सकते हैं आप। और इधर जो भैंसे के छोटे छोटे बच्चे हैं। और इधर ये भी एक दोस्त के गाय है, सब अलग अलग ही है, ये दोस्त लगता है। और वो जो सामने वाड़ा है वो मामा का है, और उधर के वो बाजू के वो भाई लगता है। क्या मामा क्या? तो अभी फिलहाल तो मामा गए, तो अभी चारा लेने के लिए गए हैं। तो अभी चलते हैं उनके पास, जाएंगे पहले उनको मिलके, बाद में घर के लिए निकलेंगे। तो अभी बाइक लेके चलते हैं और मामा से मिलके आते हैं, क्योंकि मामा ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे कहीं पे है। आगे हमें बोले थोड़े से आगे आ जाओ, तो बहुत दिन हो गए मामा से मिले नहीं थे, तो मामा से मिल भी लेते हैं। और अभी और उनकी गाड़ी भर रहे हैं वहाँ पे जो चारा की, तो अभी फटाफट चलते हैं वहाँ पे। हाँ बहुत दिन हो गए। हाँ जब गाय डिलीवरी की थी जब आए थे अपने घर। हाँ जब आए थे मिले ही नहीं था। चलिए रवि। तो मामा देखिए सामने जो है उनकी तीन पहिए वाली रिक्शा है, वो अभी वो भर रहे हैं और हम तीनों तो अभी जा रहे हैं। तो अभी मामा से मिलते हैं। हाँ ओ मामा मतलब भेजा बुरा। तो ये हमारे रत्ना भाई हैं जो कि थानगढ़ से। रत्ना भाई राम राम। ए राम राम। तो ये हमारे रत्ना भाई है जो कि थान से हमारे गांव से हैं, और ये हमारे परम मित्र है मोटू हुआ आपको पढ़ा ने भरत भाई राम राम। तो ये हमारे भरत भाई, और ये हमारे फाइनली मामा है जो कि हमने आपको बताया था ये गाय में भी इन्होंने बहुत हेल्प की थी। तो अभी जो मामा की गाड़ी है वो यहाँ पे भर रही है। और मामा कितने टाइम लगेंगे ये इसको पूरे इसको? हमें 10 मिनट के भी तो 10 मिनट में मामा जो है गाड़ी भरने वाले हैं, और आप उनकी गाड़ी बताते हैं हम देख सकते हैं भरने के बाद ही इसका नज़ारा कुछ अलग होता है, देख सकते हैं आप। मामा लाइट क्या है यानी अभी फटाफट से भर लेते हैं, मामा से थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, फिर मिलते हैं। तो फाइनली जो है मामा ने उनकी रिक्शा जो है वो भर चुकी है, और अभी निकलना है घर के लिए। और इस व्लॉग में हम मामा की भैंस और गाय अच्छी तरह से आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि मामा इधर जो चारा लेने के लिए आ गए थे, तो इसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं रुके, सीधे इधर ही आ गए। तो अभी 2-3 दिन बाद हम जब वो शाम के टाइम मिल्किंग करेंगे गाय भैंस का, तो मिल्किंग के टाइम को जाएंगे और अच्छी तरह से व्लॉग बनाएंगे, गाय और भैंस आपको सब अच्छी तरह से दिखाएंगे। तो अभी तो यहाँ उन्होंने भर ली है, और यहाँ से अब सीधा हमें घर के लिए निकलना है, क्योंकि हमारे भी गाय छोड़ने के, क्योंकि हमारा भी टाइम हो गया है, अभी 10:30 बजे हमारी भी गाय छूटती है। तो अभी फटाक से घर के लिए निकलते हैं, और वो जो व्लॉग है वो 2-3 दिन में आपको पूरे गाय और भैंस पूरे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस व्लॉग में हम नहीं अच्छी तरह से दिखा पाए, तो ज़रूर से आपको 2-3 दिन में मिल जाएंगे।
तो ये हमारे पोपट मामा है, क्योंकि हम पास से इंट्रो कराते हैं, और ये हमारे रत्ना भाई है जो कि हमारे दोस्त है, और ये हमारे भरत भाई है, और ये मालू भाई, इसको तो हम पहचानते हैं, तो पूरे के पूरे है। तो सबका इंट्रो हो गया, तो अभी यहाँ का मामा भर लेते हैं ना, तो हाँ, तो अभी फाइनली घर के लिए निकलना है, तो अभी इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम है, और अगला जो व्लॉग है वो जो मिल्किंग का, वो जरूर आपको 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं कोई नए व्लॉग में। जय श्री कृष्णा। Hola.